आज के वीडियो में मैं क्लास 10 का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। उसका एम बोर्ड पे है, एम टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड का एग्जांपल डाइजेशन एंड बेस, बेस का एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। टू रिएक्शन विद फर्स्ट लिटमस पेपर और सॉल्यूशन, लिटमस पेपर और सॉल्यूशन में रेड एंड ब्लू बोथ। सेकंड जिंक मेटल। थर्ड सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिड और बेस का ये तीन प्रॉपर्टीज आपको, ऐसे तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ये तीन प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रैक्टिकली। इसका सबसे पहले थ्योरी, इस प्रैक्टिकल का थ्योरी फर्स्ट एसिड टर्म्स, एसिड टर्म्स ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड बट नॉट चेंज टू रेड लिटमस। सिमिलरली बेस टर्म्स रेड लिटमस पेपर इंटू ब्लू बट नॉट चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड का ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, एसिड किसी भी मेटल, ऐसे यहां पर दिखाया गया है जिंक मेटल, जिंक मेटल, जिंक ग्रेनुल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जिंक ग्रेनुल है, जिंक मेटल, ये जिंक मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन से जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये गैस का साइन है, गैस निकलेगा, बबल निकलेगा जब इसको प्रैक्टिकल दिखाई। सिमिलरली जिंक रिएक्ट विथ बेस एंड प्रोड्यूस सोडियम जिंकेट एंड H2 गैस। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हुआ। थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी एसिड एंड HCl चेंज सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसा कि आपको एम में बताया था सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके और CO2 प्लस NaCl प्लस H2O। बेस NaHCO3 के साथ नो रिएक्शन, बेस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये थ्योरेटिकल पार्ट हुआ थ्योरी, अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए ये दो लिटमस है, एक ब्लू दूसरा रेड, एसिड के साथ एक ये एसिड है, एक ड्रॉपर से निकाला और ये ब्लू लिटमस में, देखिए ये ब्लू लिटमस में ऐड किया। यहां देखिए वाच क्लास है, वाच क्लास में ऐड करने से ठीक रहेगा, डर नहीं रहेगा। देखिए इसमें देखिए टर्न्स टू रेड, उसी तरह से देखिए दूसरे वाच क्लास में बेस लेकर के उसको वाटर में डिजॉल्व किया और डिजॉल्व करने के बाद ये देखिए आपके सामने रेड लिटमस लिया था मैं,
अब इसमें या तो डीप कर दूं या फिर नहीं, इसको डीप करके भी मैं देख सकता हूं। देखिए ये रेड लिटमस है, इसको मैं इसमें डीप कर देता हूं। देखिए आपके सामने ये ब्लू, ये रेड लिटमस, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। सेकेंड एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें जिंक ग्रेन्यूअल, जो सेकेंड प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा था, ये ZN प्लस HCl, एक जिंक ग्रेन्यूअल लिया और एसिड का 2 से 3 ml पार्ट ऐसे इंक्लाइन करके और ऐड किया। ये देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है, बबल हाइड्रोजन गैस का, देखिए ये हाइड्रोजन गैस का बबल इससे देखिए निकल रहा है हाइड्रोजन गैस। दूसरा, अभी आपके सामने मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया था, इसी का 2 से 3 ml इस टेस्ट ट्यूब में लिया और इसमें जिंक ग्रेन्यूअल इसमें भी ऐड किया, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर रहा। इसके लिए मुझे स्प्रिट लैंप का यूज करना पड़ेगा, वार्म कंडीशन में ये रिएक्ट करता हूं। हीट करते समय ये ध्यान रखेंगे, टेस्ट ट्यूब को इंक्लाइन और इसका माउथ अपने साइड नहीं रखेंगे, देखिए अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इसको बंद करेंगे, देखिए अब देखिए बबल निकल रहा है धीरे धीरे, अब ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया, फर्दर और बढ़ेगा। चलिए तीसरा, थर्ड जो मैं आपको बताया था प्रॉपर्टीज, HCl प्लस NaHCO3, CO2 NaCl H2O, स्पेचुला के थ्रू अप्रोक्सीमेट 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लिया और उसमें HCl जो मैं आपको पहले दिखाया था, HCl का 2 से 3 ml ड्रॉपर से ऐड किया CO2 इफरवेसेंस। इसका इफरवेसेंस का मीन्स होगा जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में आप देखते हैं, जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक्स को शेक करते हैं पूरा CO2 इवॉल्व होता है, उसी तरह CO2 इफरवेसेंस के साथ इवॉल्व हो रहा है। इसका मीन्स है कि यह CO2 इवॉल्व हो रहा है। बेस का थर्ड प्रॉपर्टी NaOH के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे जो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो डिजॉल्व किया था वाच क्लास में, फिर से 2 से 3 ml लिया और उसमें उसी तरह से 1 से 2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड इसमें ऐड किया। देखिए कुछ नहीं, ज्यों का त्यों, कोई बबल या कोई इफर्वेसेंस या कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि बेस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। इस तरह से मैं आपको एसिड का 3 प्रॉपर्टीज, लिटमस के साथ, जिंक मेटल के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, एसिड और बेस का दोनों का रिएक्शन दिखाया। अगला वीडियो में मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जल्द लेकर के आ रहा हूं, इसको देखिए और समझिए, और अगर प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे किसी तरह से कॉन्टेक्ट करके। धन्यवाद।